और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है औसतांक यानी कि मध्यमान कि इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी गणना कैसे कर सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मीन को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी गणना कर सकते हैं और इनको कहा जाता है लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड तो सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि मीन क्या होता है मीन इज द कोटिएंट दैट रिजल्ट व्हेन द सम ऑफ द आइटम्स इन द सीरीज इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स या हम ये भी कह सकते हैं कि, कि किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भजन फल प्राप्त होता है उसे औस्तांक कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर पांच बच्चे हैं और पांच बच्चों के मैथ्स में जो नंबर आए हैं अगर हमको उनको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम उन बच्चों के सारे अंकों को जोड़ेंगे और चूंकि पांच बच्चों के अंक लिए थे तो पांच से हम उसको भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो वॉट वी विल गेट इज एक्चुअली मीन ऑफ दैट स्कोर उस प्रदत्त का उन आंकड़ों का हमको मध्यमान मिलता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे पहले वाले वीडियो में कि जब हम मध्यमान निकालते हैं या कोई भी सांख्यिकी की गणना करते हैं तो हम अपने प्रदत्तों को अपने आंकड़ों को दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम उनको अव्यवस्थित रूप में रहने दे सकते हैं जिसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं और या फिर हम उसकी व्यवस्था कर देते हैं उसको व्यवस्थित कर देते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा अब जो अनग्रुप्ड डेटा होता है चूँकि वो अव्यवस्थित होता है तो हम बहुत बड़ा उसमें सैंपल या न्यायादर्श नहीं ले सकते यानी कि जैसे अभी मैंने पाँच बच्चों के बारे में बताया आप दस बीस और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप तीस तक ले सकते हैं तीस से ज्यादा अव्यवस्थित पद्धतियों का सांख्यिकी करना उनकी गणना करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर लार्ज सैंपल टू लिव इट एज अव्यवस्थित और अनग्रुप्ड डेटा एंड देन ट्राई टू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स सो इट्स बेटर कि इफ द सैम्पल इज मोर देन थर्टी देन वी ग्रुप इट और ऑर्गेनाइज इट बट इफ इट इज लेस देन थर्टी देन वी कैन कैलकुलेट स्टैटिस्टिकली द डेटा वॉट एवर द डाटा इज से सो अगर आपका अव्यवस्थित प्रदत्त है तो वास्तविक या आपका जो मध्यांक है या जिसको uh, मध्यांग तो नहीं कहेंगे औसतांक कहते हैं जिसको या मध्यमान जिसको कहते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम जानेंगे कि अव्यवस्थित प्रदत्त का या अनग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालें और सैंपल हमेशा याद रखें लर्नर्स इट शुड बी लेस देन थर्टी एन जो है आपका यानी कि न्यायदर्श या सैंपल का जो साइज है वो थर्टी से कम होना चाहिए अब आप देखिए आपके समक्ष एक एग्जाम्पल एक उदाहरण है जो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं एम मतलब मीन सिग्मा का जो निशान आप देख रहे हैं ये सिग्मा का निशान है इसका अर्थ होता है योग टोटल और जो एक्स आप देख रहे हैं एक्स हर बच्चे का स्कोर है यानी कि एट सेवन ट्वेल्व ट्वेल्व टेन फिफ्टीन ये सब स्कोर है एक्स है इन सबको जब हम जोड़ देंगे वी विल देन वी विल गेट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन एन क्या है कितने लोगों का आपने ये स्कोर लिया है तो अगर आप गिने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इलेवन लोग हैं इलेवन का हमारा सैंपल है तो आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक सौ बारह जो टोटल है उसको ग्यारह से डिवाइड किया और हमारा जो मीन आया है जो हमारा औसतांक आया है दैट इज़ टेन पॉइंट वन एट ये तो हो गया हमारा अव्यवस्थित डाटा का मीन निकालना अब हम करते हैं व्यवस्थित डाटा का जब थर्टी से ज्यादा हमारा सैंपल होता है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि थर्टी से ज्यादा अगर मेरा सैंपल है लोग जो हमने लिए हैं वो थर्टी से ज्यादा है तो हम उसको व्यवस्थित करते हैं अब जो हमको औसतांक निकालना है या मध्यमान निकालना है हम दो मेथड से निकाल सकते हैं लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से तो देखने में शॉर्ट मेथड आपको लंबा लगेगा और लॉन्ग मेथड छोटा लगेगा इसको समझने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि इनके सूत्र क्या हैं। एज यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ लॉन्ग मेथड इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन वेर एज दैट ऑफ शॉर्ट मेथड इज मीन इज इक्वल टू ए एम अज्यूम्ड मीन यानी कि माना गया जो औसतांक है माना गया जो हमारा औसतांक है या काल्पनिक औसतांक है वो हमारा ए एम होता है जब हम सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा फिर प्लस सिग्मा एफ डी एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है कि कोई चीज कितनी बार कितनी उसकी आवृत्ति है कितनी बार रिपीट हो रही है फॉर एग्जाम्पल पांच बच्चे हैं तो मान लीजिए बच्चा नंबर एक के नंबर आए हैं बीस बच्चा नंबर बी के आए हैं दस बच्चा नंबर तीस सी के आए हैं बीस तो यहाँ पर जो बीस का स्कोर है वो दो बार आ रहा है तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी टू तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई स्कोर कोई अंक कोई डेटा कोई प्रदत्त कितनी बार रिपीट हो रहा है दोहराया जा रहा है उसको हम आवृत्ति कहते हैं सवाल में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डी होता है विचलन विचलन का अर्थ होता है कि जो होना चाहिए औस्तांक उससे कितनी दूर आपका आंकड़ा जा रहा है उसको विचलन कहते हैं जब हम f और d को गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और उन सबको टोटल करेंगे विल बिकम सिग्मा और उसको n से डिवाइड करेंगे n हम बताई चुके हैं वो आपका सैंपल है इनटू क्लास इंटरवल यानी कि जो वर्गांतर होता है उसके बारे में आगे विस्तार से हम समझेंगे तो ये दो मेथड होते हैं जिनसे हम मीन निकाल सकते हैं अब आप अगर यहां पर देखें तो आप एक सवाल देख रहे हैं यहाँ पे अब आप पहले सवाल को समझने की कोशिश करें देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया गया है इसमें आपको लिखा हुआ है कि आपको दीर्घ विधि से लॉन्ग मेथड से आपको सॉल्व करना है जो दीर्घ विधि होती है इसको वास्तविक विधि भी कहते हैं वास्तविक औस्तांग विधि भी कहते हैं और जो शॉर्ट विधि होती है लघु विधि जो होती है उसको Uh, काल्पनिक औसतांक विधि भी कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड क्योंकि इसमें हम अज्यूम्ड मीन करते हैं ए एम काल्पनिक मीन हम निकालते हैं अभी आपके सामने सवाल है आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास इंटरवल वर्गांतर दिया हुआ है और हर वर्गांतर का मध्य बिंदु निकाला गया है फिर बगल में आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी है और फिर उनको हमने गुणा करा है मल्टीप्लाई करा है अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक एक करके समझेंगे अगर आप इस पहली बात तो आप देख रहे होंगे नीचे छोटे हैं और ऊपर बड़ा होता जा रहा है उसके बाद हमको इन हर वर्गांतर का हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो जैसे 50 और चौवन के बीच का मध्य बिंदु क्या है अंदाजे से सब बता लेते फिफ्टी पर ये 52 आया कैसे आपने क्या करा 50 प्लस फिफ्टी करा और इसको दो से भाग किया तो आपका आ गया है 52 जो आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम 10 प्लस 14 करेंगे और इसको दो से भाग करेंगे 24 डिवाइडेड बाय दो आंसर आएगा 12 तो आप देख रहे हैं कि मध्य बिंदु आपका आराम से आपको समझ में आ गया इसको हम नाम देंगे इस कॉलम को हम नाम देंगे एक्स तो हरेक वर्गांतर का आपको मध्य बिंदु मिल गया अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आवृत्ति आवृत्ति यहाँ पे दो दी हुई है यानी कि पचास से चौवन के बीच में जिन लोगों के नंबर आए हैं वो दो लोग हैं 45 से फोर्टी नाइन के बीच में जिन लोगों के नंबर आए हैं वो तीन लोग हैं चालीस से चवालीस के बीच में जिन लोगों के नंबर आए हैं वो तीन लोग हैं और सबसे बड़ी बात आप देखिए यहाँ पर पच्चीस से उनतीस के बीच में जिन लोगों के नंबर आए हैं वो तेरह लोग हैं देखिए बहुत सारे लोगों के पच्चीस से उनतीस के बीच में स्कोर आया है तो इस प्रकार से ये आवृत्ति हो गई कि उस वर्गांतर में या उस स्कोर में कितने लोगों के वो नंबर रिपीट हो रहे हैं अब हमने कहा था कि एफ और एक्स को हम गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एफ और एक्स को हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पे बावन इंटू दो यहाँ पे सैतालीस इंटू तीन यहाँ पे फोर्टी टू इंटू थ्री थर्टी सेवन इंटू थ्री ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और लास्ट में हम इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा fx जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका सिग्मा fx हो गया आप देख पा रहे हैं सिग्मा एफेक्ट हो गया और उसके बाद ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है जो आप देख रहे हैं इनको भी हम टोटल करेंगे यहां पर तो जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा एन बराबर पचास है पचास मेरा सैंपल है न्याय है यानी कि पचास लोगों के ये सारे स्कोर है तो इतनी ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी अब हम जाते हैं कि इसका हम मीन कैसे निकालेंगे मीन हम निकालेंगे लॉन्ग मेथड से जैसे पूछा गया है अब लॉन्ग मेथड में अगर आप फॉर्मूला लागू करें ऊपर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो m इज इक्वल टू सिग्मा fx आपको दिखाई दे रहा होगा जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था पढ़ा था और इसमें आप देखेंगे हमारा सिग्मा fx का टोटल आया था चौदह पैंसठ और n हमारा पचास है तो हमारा मीन आ गया 29.30। लर्नर एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब हम शॉर्ट मेथड से निकालेंगे तो भी हमारा औसत इतना ही आना चाहिए तभी हमारा मेथड सही है अब आते हैं जो हम लोगों ने ये क्लास इंटरवल बनाया है कई बार ये नहीं दिया होता तो हम कैसे बनाते हैं इसको इसको देखिए आपके सामने हमने ये सारे आपके अव्यवस्थित आंकड़े रखे हुए हैं अब हम इन अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित में कन्वर्ट करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि ये जो लोग हैं ये कई सारे हैं अब इनको हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा ताकि हम उसको अच्छे से सारणी बनाकर सॉल्व कर सकें अब अगर आप देखें तो पहले आप छांटिए कि लोएस्ट स्कोर कौन सा है लोएस्ट स्कोर अगर आप सब आंकड़ों में देखें तो लोएस्ट स्कोर आपका दस है जो हमने यहां पर लिख दिया हाईएस्ट स्कोर आपका है ढूंढे 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 तो ये आपका है चौवन ये यह यहां पे है चौवन हाईएस्ट है और लोएस्ट दस है इनको माइनस करेंगे यानी कि आपकी जो पूरा टेबल बन रहा है वो चौवन से लेकर दस के बीच का है दोनों में अंतर कितना है आप देख रहे हैं चौवन माइनस दस चौवालिस आ गया अब आप मान लीजिए अगर आप पिछली टेबल देखें तो पिछली टेबल में पांच का अंतर है ये देखिए पांच का कैसे पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पैतालीस छियालीस सैतालीस अड़तालीस उनचास यानी कि पांच की गिनती का अंतर आ रहा है तो यहां पर मैंने भी यहां पर भी मैं क्या करूंगी पांच की गिनती का आप दस की भी ले सकते हैं आप सात की भी ले सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो लेकिन सोच समझ के लेना चाहिए अब हम कितने वर्गांतर इसमें बना पाएंगे इसका एक फॉर्मूला होता है कितने वर्गांतर बनेंगे सी आई नंबर ऑफ सी आई इज इक्वल टू रेंज रेंज क्या था हमारा फोर्टी फोर साइज क्या लिया हमने पांच और प्लस वन तो फोर्टी फोर अपॉन फाइव प्लस वन ध्यान रखे बच्चों पहले आप इसको एलसीएम निकालेंगे एलसीएम करके आप इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद आपका आया कि आपको नौ सारणी बनेगी अब आप वापस जाइए फिर से देखिए नौ सारणी बनी हुई है सबसे लोएस्ट स्कोर आप देखिए इसमें क्या है दस है हाईएस्ट कितना है चौवन है और जो भी फॉर्मूला तैयार हो गई तो इस तरह से आपको सारणी बना लिया आपने सारणी बनाने के बाद आप पांच पांच का चूंकि आपने साइज लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे दस से स्टार्ट करेंगे दस ग्यारह बारह तेरह चौदह यानी कि दस से चौदह फिर पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस पंद्रह से उन्नीस इस तरह से आप पूरे वर्गांतर बनाएंगे और आपके वर्गांतर तैयार हो जाएंगे तो इस प्रकार से मैंने आपको अव्यवस्थित से किस प्रकार से हम ये व्यवस्थित पा सकते हैं वो कर सकते हैं और अगर आपको व्यवस्थित ऑलरेडी मिला हुआ है तब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है अब आपको कैसे व्यवस्थित करना है फ्रीक्वेंसी आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने किस नौ क्लास इंटरवल आपके होने आप देख रहे हैं नौ है तो आपको इतना समझ में आ गया अब आपके जितने भी ये आंकड़े हैं जितने भी आपको सामने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आप देख रहे हैं अब हमको इनको व्यवस्थित सारणी में लगाना है अब हम कैसे लगाएंगे देखिए पचास से चौवन कितने हैं ढूंढिए आप लोग पचास से चौवन आपका ये यहाँ पे दो दिया हुआ यानी कि एक चौवन आपको ये दिख रहा है और आप ढूंढेंगे तो आपको पचास भी कहीं पे दिख जाएगा ये देखिए पचास दो है ठीक है तो यहां पे हमने दो आवृत्ति आ गई मेरी अब हम जाते हैं पच्चीस से उनतीस वाले में बाकी आप ऐसे ही समझ लीजिए पच्चीस से उनतीस समझने की कोशिश करेंगे कि पच्चीस से उनतीस के बीच में कितने हैं अब आप ध्यान से देखिए पच्चीस से उनतीस यहां से देखना शुरू करिए सबसे पहले एक दो तीन अच्छा ये उनतीस नहीं है थर्टी नाइन हो गया है उनतीस पे ध्यान देते हैं यहाँ पे पहली लाइन में एक भी नहीं है इस लाइन में एक भी नहीं है इस वाली लाइन में देखिए आप पच्चीस से उनतीस में आपका पच्चीस आ गया एक उनतीस आ गया दो सत्ताईस आ गया चौबीस आ गया और उनतीस आ गया फिर आप ऊपर आ जाइए पच्चीस आ गया फिर आपका ये तो 27 है पच्चीस से उनतीस में ये भी आ गया अट्ठाईस आ गया उनतीस आ गया पच्चीस आ गया तो आप इस तरह से ढूंढते जाइए देखिए ये सत्ताईस आ गया फिर आपका ये सत्ताईस आ गया फिर आपका आ, आगे देखते जाइए अट्ठाइस आ गया तो आप देख रहे हैं कि आप इस तरह से गिनेंगे तो आपको ये तेरह का स्कोर मिल जाएगा तेरह हो गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये देखिए ऊपर एक और पच्चीस हो गया ये एक और पच्चीस हो गया सत्ताइस हो गया तो तेरह आपके इस तरह से हो जाएंगे तो इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी का ये जो पूरा आपका है ये फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी ये बंडल मैंने कैसे बनाया ताकि गिनती रहे जैसे कि मैंने पचास से चौवन के बीच में बताया था चौवन तो हम एक डंडी खींचेंगे फिर पचास फिर हम एक डंडी खींचेंगे अब जैसे ये तेरह वाला आप देख रहे होंगे पांच का एक बंडल बनाया पांच का एक बंडल बनाया तीन बनाया तो इस तरह से ये तेरह हो गया पांच पांच के बंडल बनते हैं ऐसे हम लोग क्या करते हैं इसमें चार लाइनें खींचते गिनते जाते हैं एक दो तीन चार खींचते रहते हैं फिर पांचवे में हम ऐसे कर देते हैं तो एक बंडल बन गया फिर एक दो तीन चार फिर पांचवे तो इस तरह से हम लोग गिनती करने में हमें आसानी होती है क्योंकि ऐसे गिनेंगे तो गलतियां होने के चांसेस होते हैं तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम अव्यवस्थित आंकड़ों से व्यवस्थित सारणी पा सकते हैं हाउ यू कैन कन्वर्ट अनग्रुप्ड डेटा इन अ ग्रुप्ड वन तो दोनों ही केस में आप आराम से सारणी बना सकते हैं अब आते हैं शॉर्ट मेथड से शॉर्ट मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यह आपका फॉर्मूला है अब इसमें क्या करना है ये आपको ऑलरेडी पता है अब हमको जानना है अज्यूम्ड मीन यानी कि ए एम क्या होगा ए एम ये होगा कि जिस वर्गांतर के जिस वर्गांतर की सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी वो हमारा अज्यूम्ड मीन हो जाएगा तो इस वर्गांतर में सबसे ज्यादा आवृत्ति है एफ है फ्रीक्वेंसी है सो ये हमारा अज्यूम्ड मीन हो जाएगा थर्टीन उसके बाद हम आते हैं एफ तो हमारे पास ऑलरेडी अब हम डिविएशन तो डिविएशन हम कैसे निकालते हैं जो हमने चुनी है ए एम उसके आगे हम जीरो लिख देते हैं और उसके जो बढ़ते हुए क्रम में क्लास इंटरवल है यानी कि वर्गांतर है उसमें हम लोग प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव लिखते जाएंगे जितना तक आवर, वर्गान्तर होंगे और नीचे की तरफ छोटे की तरफ डिक्रीजिंग में हम क्या लिखते जाएंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जितने आपके होंगे अब ये आपको इतना समझ में आ गया अब हमें क्या करना है अब हमें मल्टीप्लाई करना है एफ और डी को अगर आप देखें तो एफ और डी को हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया है फाइव इंटू टू फोर इंटू थ्री 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 नाइन सिक्स टू ट्वेल्व आठ एकम आठ तेरह को शून्य से गुणा करने पर शून्य आता है फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव क्योंकि प्लस और माइनस को जब हम गुणा करते हैं तो माइनस आता है सेवन इंटू माइनस टू माइनस फोर्टीन और ये माइनस नाइन ये तो हो गया आपका एफ और डी का गुणा अब हम आते हैं अब आप देख रहे होंगे ऊपर वाले सब पॉजिटिव है आपके ऊपर वाले, तो वाले सारे पॉजिटिव है तो जब ऊपर वाले सारे पॉजिटिव है तो इनको जोड़ देंगे दस प्लस बारह प्लस नौ प्लस बारह प्लस, प्लस आठ तो आपका ये आ गया प्लस इक्यावन माइनस वाले को भी हम जोड़ेंगे लेकिन हमारा चिन्ह माइनस ही रहेगा और जोड़ेंगे लेकिन चौदह प्लस नौ प्लस पांच ये आया अट्ठाइस लेकिन माइनस लगेगा अब आपको क्या करना है प्लस फिफ्टी वन आपके पास है और माइनस ट्वेंटी एट आपके पास है इसको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा ट्वेंटी थ्री चिन्ह कौन सा लगेगा प्लस क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो अब आप देख रहे होंगे एफ डी हमने किया और इसका हमने जब योग किया चूंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था तो मेरा योग आया है सिग्मा ट्वेंटी थ्री अब हम क्या करेंगे इसको फॉर्मूले में लगाएंगे और फॉर्मूले में लगाने के बाद आप देख रहे हैं ट्वेंटी सेवन सिग्मा एफ डी अपॉन एन हो जाएगा ट्वेंटी थ्री अपॉन फिफ्टी क्योंकि मेरा जो न्याय दर्श था फ्रीक्वेंसी को टोटल करने पर जो आता है वो एन हो जाता है और जो मेरा वर्गांतर का साइज था आपको साइज पता ही है पांच मेरा साइज था अब हम लोगों ने क्या करना है सबसे पहले इसको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करिए पहले पहले जोड़िए मत पहले इसको सॉल्व करिए को दस हो जाएगा पचास और दस का एक बिंदु लगा देंगे डेसिमल टू पॉइंट थ्री हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री अब आप वापस जाइए देखिए लॉन्ग मेथड में भी जो आपने सॉल्व किया था उसमें भी आपका आंसर ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री आया था और आपने जब शॉर्ट मेथड से किया तो भी आपका आंसर आया है ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री तो आप देख सकते हैं कि किया जरूर हमने शॉर्ट मेथड से था लेकिन आंसर हमारा सेम आया तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो कुछ आप पूछना चाहते हो या कोई कमेंट देना चाहते हो तो प्लीज़ पोस्ट इट इन माय कमेंट बॉक्स इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहें एंड मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी जिसमें आप मीन मोड मीडियन के बारे में और स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड uh, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक like करें कमेंट जरूर करें शेयर uh, करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें थैंक यू